नमस्कार। तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस और एरिया के बाद में अब हम आते हैं सेक्टर और सेगमेंट के एरिया के ऊपर। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर भी वो सर्कल का पार्ट होता है। अब जैसे अगर ये सर्कल है, इसमें अगर हम ये दो रेडियाई बना दें, तो दो रेडियाई अगर बनाएंगे तो ये आर्क और ये दो रेडियाई, इनके बीच में जो पार्ट बनेगा उसको बोलेंगे सेक्टर। तो सेक्टर किस तरह का होगा? सेक्टर के लिए अगर एक ये और एक ये, तो ये ओ ए और बी, ठीक है। तो इसमें से ये वाला जो पार्ट होगा इसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। तो इसमें एक आर्क रहेगी और ये दो रेडियाई होंगे, है ना। तो और अगर सेगमेंट देखें तो सेगमेंट के लिए क्या है, अगर हम ये कॉर्ड और ये आर्क ले लें तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड सेगमेंट, और ये वाला पार्ट इसको बोलेंगे सेक्टर, ठीक है। अब देखिए सेक्टर के अगर हमको फॉर्मूले चाहिए तो इसके लिए पहली चीज हमको लेंथ ऑफ आर्क मालूम होनी चाहिए। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए एक फार्मूला होगा, फिर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर अगर हम देखें तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ आर्क प्लस दिस रेडियस प्लस दिस रेडियस आर और आर, इनको अगर ऐड कर दें देन दिस विल बिकम पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। और एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमको, चूंकि ये पार्ट है सर्कल का, अगर ये एंगल थीटा हो तो पूरा एंगल 360 हो तो एरिया कितना बन रहा है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का पूरा एरिया है। तो अगर थीटा एंगल हो तब कितना होगा, तो हम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं इसको। तो हम सबसे पहले देखें यहां पे एरिया ऑफ सेक्टर और उसके भी पहले लेंथ ऑफ आर्क, ये दोनों चीजें यूनिटरी मेथड से निकल सकती है। कैसे? देखिए अगर ये सर्कल में सेंट्रल एंगल अगर 360 है तो इफ एंगल एट सेंटर इज 360 देन एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर इफ एंगल एट सेंटर इज 1 degree देन एरिया ऑफ पार्ट ऑफ सर्कल, हाँ, इन दिस केस पार्ट ऑफ सर्कल, तो दिस विल बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और अगर ये एंगल बीच में थीटा बन रहा हो तो इफ एंगल एट सेंटर इज थीटा डिग्री देन एरिया मींस पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, है ना। यहां पे बीच में हम पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल
तो यहां पे भी पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विल बी, इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इनटू थीटा। तो देखिए हमने क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, तो ये थीटा अपॉन 360 अगर सर्कल हो। अगर यहां पे हमको लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, तो इफ एंगल एट द सेंटर इज 360 देन लेंथ ऑफ आर्क मीन्स सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होगा। फिर अगर 1 डिग्री होगा तो 2 पाई आर अपॉन 360 होगा, और अगर एंगल थीटा होगा तो लेंथ ऑफ द आर्क विल बिकम 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। तो ये देखिए 2 पाई आर और इंटू थीटा अपॉन 360 यहाँ पे भी है, इंटू थीटा अपॉन 360 यहाँ पे भी है। तो हमको करना क्या है, हमको सिर्फ याद रखना है फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस का, कि सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी अगर एंगल थीटा बन रहा है, इंटू थीटा अपॉन 360। ऐसे ही एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए तो पाई आर स्क्वायर और इंटू थीटा अपॉन 360 कर दो तो ये आ जाएगा, है ना। और अगर हमको एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए तो देखिए ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, अगर ये सेगमेंट है, इसका एरिया अगर हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ये ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ट्रायंगल का एरिया गया तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देख लें। तो आइए, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट के अंदर देखिए, अगर ये घड़ी है इसमें ये मिनट हैंड है, ठीक है, ये अगर मिनट हैंड है, ये अगर यहां पे 12 लिखा हुआ और यहां पे 3 लिखा हुआ तो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री, है ना। अगर इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो यहां पे जहां पे 1 लिखा रहता है और इधर 2 लिखा रहता है, तो ईच पार्ट अगर इसको दो 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें तो 90 डिवाइडेड बाय 3 मतलब ये एंगल कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। तो 5 मिनट के अंदर जो एंगल बनाता है मिनट हैंड वो कितना बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो हमको ये एरिया पूछा हुआ है, एरिया स्वेप्ट बाय दिस। अब मिनट हैंड की लेंथ 14 दी हुई है, इसका मतलब 14 क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज गिवन, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, 15 मिनट के अंदर एंगल सबटेंड होता है 90 डिग्री का, तो 5 मिनट में एंगल सबटेंडेड विल बी, सो एंगल स्वेप्ट और एंगल सबटेंडेड विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। और क्यों होगा,
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमको 90 दिखता है, उसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो 30 डिग्री हो गया. सो देयरफॉर एंगल, नॉट एंगल, एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, दिस विल बी एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला हमने देखा है, पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360, है ना. और यहां पे ये थीटा की वैल्यू है. सो दिस विल बी 22/7 इनटू रेडियस, ये दिया 14 सेंटीमीटर, तो 14 × 14 इनटू थीटा अपॉन 360. सो थीटा इज 30/360. ओके, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ 12 टाइम्स, 7 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हुआ 6 टाइम्स, और 2 से ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, और ये हुआ 11 टाइम्स. सो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे बचा 14 और यहाँ पे बचा 3. सो दिस इज 14 × 11/3. सो दिस वी कैन कैलकुलेट. सो दिस विल बी 14 × 4 = 44. 14 and this will be 11, 11 plus 4 means 154/3, right? 154/3 means this will be 51 integer 1/3 square centimeter, square centimeter, right? तो ये इसका आंसर. नाउ कम टू नेक्स्ट. अगला, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड इन ए राइट एंगल एट द सेंटर. फाइंड द एरिया कोरस्पॉन्डिंग टू माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर. पाई की वैल्यू यूज करनी है हमको, 3.14, ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये सर्कल बनाएं, इस सर्कल में एक कॉर्ड ऐसी है जो कि सर्कल का रेडियस 10 दिया हुआ है, और कॉर्ड इज सबटेंडिंग ए राइट एंगल एट द सेंटर. मतलब यहां पे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, दिस इज राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री दिया हुआ है, रेडियस 10 दिया हुआ है, तो ये 10 है, ये 10 है, और यहां पे ये कॉर्ड बनी हुई है, ठीक है. तो कॉर्ड इज ऑल्सो गिवन. अब हमको निकालना है एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट. देखिए यहाँ पे दो तरह के सेक्टर भी होते हैं और सेगमेंट भी होते हैं. एक होगा माइनर सेगमेंट और एक होगा मेजर सेगमेंट, ठीक है. तो माइनर सेगमेंट मतलब माइनर आर्क जो वो बनाएगी, ये वाला सेगमेंट, इसको माइनर बोलेंगे. और मेजर सेगमेंट क्या होगा, सर्कल में से इस पार्ट को हटा दो तो ये जो बचा हुआ सेगमेंट होगा वो मेजर सेगमेंट होगा. और माइनर मेजर सेक्टर भी निकालना है हमको. मेजर सेक्टर देखिए ये तो है माइनर सेक्टर,
है ना, सर्कल के एरिया में से अगर हम इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला पोर्शन जो मेजर सेक्टर हमारे पास में ये आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हमको क्या क्या चीज दी हुई है, R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। अब अगर ये 90 डिग्री है तो हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये होगा पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360। मींस दिस इज, हम लास्ट में पाई की वैल्यू अगर रखें तो पाई इनटू आर इज 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू थीटा मीन्स 90 अपॉन 360, इससे ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स। सो दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 100 अपॉन 4, सो दिस विल कैंसिल 25 टाइम्स। सो दिस इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकला अगर ये ए बी है और ये ओ है। ठीक है, अब अगर इसमें से हम एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी will be equal to, ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे चूंकि ये एंगल 90 दिया हुआ है तो अगर इसको बेस तो यह हाइट हो जाएगी। मीन्स दिस विल बी 10 इंटू 10 बेस इंटू हाइट, राइट। इससे ये कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, सो दिस इज 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हम देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर ये है 25 पाई, मींस अगर हम यहां पे 25 इंटू 3.14 ये ले लें तो दिस विल बी 25 इंटू 3.14, 25 इंटू 4, 100, 10 बचा, 25 इंटू 1, 25 और 10, 35, तो ये हो गया 5, 3 बचा, 25 इंटू 3, 75, 75 और 3, 78। So this will be 78.50. So 78.50 plus 50. No, minus, not plus, because we are subtracting this area. So minus 50 means this will be equal to 28.50 square centimeter. This is the
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब हम देखें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विल बी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सो एरिया, दिस इज सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, मीन्स पाई इंटू टेन स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 25 पाई है, है ना। सो दिस इज 25 पाई, तो ये 100 पाई में से 25 पाई गया, तो ये हो जाएगा 75 पाई, है ना। 10 स्क्वायर मींस 100, 100 में से 25 क्या, और इधर पाई की वैल्यू हम पुट कर दें, तो 75 इंटू 3.14, ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर लें। सो देखिए, जब हमने 25 टाइम्स किया था तो ये आ रहा था 78.5 आ रहा था, है ना। और ये क्या है, 75 इज 3 into 75 into this, तो 3 और मल्टीप्लाई कर दें इसको 3 को, तो ये आ जाएगा 15, 1 बचा 24 and this 25, 2 बचा 21 और 2 23, तो 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। दिस विल बी द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक। चलिए आगे चलो, नाउ नेक्स्ट इज, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर्क सबटेंड एन एंगल, तो यहां पे रेडियस दिया हुआ है और एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, तो हमको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, देन एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो ये तीनों चीजें हमको निकालनी है। तो इन सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ऑल द थिंग्स विच आर गिवन, तो यहां दिया हुआ है आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ आर्क पूछा हुआ है, तो लेंथ ऑफ आर्क दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, मींस दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर एस 21 इंटू थीटा एस 60 और अपॉन 360, इससे ये 6 टाइम्स चला गया, ठीक है, 7 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 से 6 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 22, सो लेंथ ऑफ आर्क विल बी 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो
तो ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क. देन सेकेंड इज एरिया ऑफ ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360. ठीक है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है. सो दिस इज इक्वल टू पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 21 × 21 इंटू थीटा अपॉन 360, मतलब 60/360. वापस इससे गया 6 times 7 से ये कैंसिल हुआ 3 times, 3 से 6 गया 2 times, ये 2 से ये 22, ये कैंसिल होगा 11 times. सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास में क्या बचा, इधर से 11 और यहाँ से 20, 11 × 21 means this will be equal to 11 × 1, 11, 1 बचा 22 और 1, 23, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर. ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर. ठीक है, अब देखिए, अब हम फिगर बना लें यहां पे. इसमें एंगल जो सबटेंड हो रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है. ये ए बी और ये ओ 60 डिग्री है और ये 21 रेडियस इधर रेडियस. लेकिन आप देखिए, अगर ये एंगल 60 है, अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों इक्वल हैं. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. अगर हम सपोज करें कि ये एंगल x है और ये भी x है, तो यहां से x plus x plus 60 degree will be equal to sum of interior angle कितना होता है 180 degree. so this is equal to 180 degree. so 2x is equal to 180 minus 60 means 120. तो x is equal to हो जाएगा 60 degree. मतलब ये 60 ये 60 ये 60, तो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. सो देयरफॉर ट्रायंगल एओबी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, a²√3/4. सो देयरफॉर एरिया of equilateral triangle AOB will be equal to, formula hota hai a²√3/4. A square means 21² × √3/4. 21² is 441 × √3/4. To ab hum ये सेक्टर के एरिया में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा. सो देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस दिस इज इक्वल टू
सेक्टर का एरिया ये 231 माइनस दिस इज 441 डिवाइडेड बाय 441 इनटू रूट 3 अपॉन 4. सो दिस विल बी 441 इनटू रूट 3 इज 1.73 एंड अपॉन 4. एंड दिस कैलकुलेशन कैन बी डन एंड दिस विल बी द एरिया.